बांग्लादेश की टीम पहुंचने वाली है, भारत की टीम भी दिल्ली पहुंचने वाली है, लेकिन दोनों टीमें जब दिल्ली पहुंचेंगी उनको ये सब दिखेगा। इस वक्त शायद सबसे गंदा दिन है पॉल्यूशन के लिहाज से, ये दोपहर का वक्त है, चारों तरफ आपको ये देखिए धुंधला धुंधला नजर आ रहा है, विजिबिलिटी है नहीं बहुत दूर, और पॉल्यूशन का लेवल ऐसा है कि आपकी आंखों को लगता है, आपके सर में लगता है। और रविवार को इस सीरीज का पहला मैच T20 दिल्ली में होना है, फिरोजशाह कोटला। और राहुल जो खबरें हैं उसके मुताबिक ही हफ्ता और खराब होना है, प्रोग्रेसिवली एक एक दो दो दिन कह रहे शनिवार तक एक्सपेक्टेड है कि ये खराब होता रहेगा, उसके बाद उम्मीद है कि इट माइट क्लियर। इन दैट केस आपकी टीम फ्राइडे सैटरडे दो प्रैक्टिस सेशंस हैं, और ये दोनों टीमें शायद कह चुकी हैं कि भाई आउटडोर प्रैक्टिस तो नहीं कर पाएंगे, फेफड़े तो नहीं खराब करने, जिम वगैरह करेंगे। लेकिन बात यह है कि संडे को जो मुकाबला है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द क्रिकेटर्स, जो आप 25-30-40 हज़ार लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए भी जाती है। तो खबर आपके पास यह है कि एक चिट्ठी लिखी गई है बीसीसीआई को जो एनवायरमेंटलिस्ट जिन्हें बोलते हैं, उन लोगों ने कहा है कि जो पब्लिक हेल्थ है दैट इज एट रिस्क, और आप प्लीज़ मैच शिफ्ट कर सकते हैं। तो आज इनफैक्ट गौतम गंभीर आप देख सकते हैं लोगों के मास्क भी निकल चुके हैं, और गौतम गंभीर ने भी आज ये बात कही है कि यार पब्लिक हेल्थ जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी क्रिकेट मैच से। मैंने भी ट्वीट किया है। जी आपने भी ट्वीट किया है ये? अच्छा मतलब गौतम गंभीर ने उनकी बात को सपोर्ट, अच्छा उनकी बात को सपोर्ट करते हैं, मुझे लगा पहले आपने, क्योंकि देखिए लोगों की क्रिकेटर्स की हेल्थ। और राहुल अगर आप संडे को मैच कराते हैं, और आप ये दिखाइए हमारे ये सहयोगी हैं नितिन, नितिन जी अपने रिपोर्टर हैं बड़े, भाग गए पकड़ो। तो ये 2 साल पहले एक टेस्ट मैच में श्रीलंकन प्लेयर्स ने ये मास्क पहना था, तो बहुत अच्छा साइट नहीं था, अच्छा नहीं था आपके लिए, एक बैड एडवर्टाइजमेंट है। प्लेयर्स वॉमिटिंग कर रहे हैं, प्लेयर्स बीमार पड़ रहे हैं, प्लेयर्स मास्क में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो एक, तो आप नहीं चाहेंगे कि इस संडे भी उस तरह का हो। और दूसरी बात यह है कि हालांकि देखिए ये कोई क्लब का मैच तो है नहीं कि चलो यार इसको यहाँ से वहाँ कर दो, इंटरनेशनल क्रिकेट है, आसान नहीं होता है, लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अब दादा सौरव गांगुली के पाले में गेंद है, मेरे हिसाब से DDCA तो कह रहा है कि जी हम तो कराएंगे मैच। आपकी क्या राय है यार, अगर इस वक्त स्वाप हो सकता है तो अभी के अभी कर सकते हैं आप, अभी के अभी स्वाप कर दीजिए, आप इसको स्विच कर दीजिए सेकंड या थर्ड, मेरे ख्याल थर्ड विल बी अ सेफर ऑप्शन, और आप स्विच कर सकते हैं तो कर दीजिए। दिल्ली के लिए दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत होगी जिस वेन्यू को आपको हफ्ते बाद करना था उसको हफ्ता पहले करना है, क्या वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस मौसम में इस हालात में तो मैच एक नाइंसाफी हो जाती है। और बात यह भी है ना कि बैड एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है, बैड एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है, जो हुई थी लास्ट टाइम 2017 में श्रीलंका के अगेंस्ट। आज सुनील छेत्री, राधिका भी गई थी, सुनील छेत्री जो इंडियन फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, उन्होंने बोला कि हम प्लेयर्स जो हैं हम नहीं चाहते हैं कि ISL के मैचेस, कि ISL तो खैर अब नहीं होता है क्योंकि दिल्ली की कोई टीम ही नहीं रही, वो बोलते हैं हम अब नहीं चाहते हैं कि हम इस मौसम में ट्रेनिंग करें, इस मौसम में खेलें। और मुझे, मैंने खुद देखा, वो बोल रहे हैं मैंने खुद देखा है यहाँ पे जब प्लेयर्स प्रैक्टिस करते हैं मास्क पहन के करते हैं, और वो बोल रहे हैं वो अच्छा नहीं दिखता है भाई, वो अच्छा वाकई नहीं दिखता है, क्योंकि इस वक्त आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हालांकि देखिए कई सारी प्रिकॉशंस ली गई, आप भी जानते हैं ऑड इवन का फॉर्मूला भी आने वाला है, बाय द वे हम तैयार है ना, ऑड इवन शुरू हो रहा है सोमवार से गुड़गांव से आना, और कई सारी चीज़ें की गई हैं, लेकिन फिर वही बात है ढाक के तीन पात। आप देखिए एक बार धीरे दोबारा दिखाइए, ये बिल्डिंग हमारे से तकरीबन 50 मीटर दूर है, 50 मीटर दूर की बिल्डिंग आपको नहीं दिखेगी, वो बिल्डिंग तकरीबन 500 मीटर दूर है वो आपको दिखेगी नहीं, और इस वक्त आंखों में आपको आंखों में पोल्यूशन लगता है, आपके सर में दर्द होती है, और ये प्रोग्रेसिवली कह रहे हैं कि इस हफ्ते एग्जैक्टली इट इज ओनली गोइंग टू गेट वर्स। जैसे आप, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आज क्या सिचुएशन, प्रॉब्लम वो है जो आप बोल रहे हैं कि ये आपके लिहाज से स्विच हो सकता है मैच, खराब क्या ये मैच दिल्ली और एक और वेन्यू के बीच स्विच किया जा सकता है? मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता होगा? आई डाउट। हालांकि देखिए क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स ये भी सोच रहे हैं कि ये सिर्फ तीन, क्योंकि आई डोंट नो, मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजर्स DDCA या BCCI इस वक्त वो पब्लिक की चिंता नहीं कर रहा होगा, आपको लगता है? मुझे नहीं लगता, नहीं कर रहा, मैं मानता हूं। उनको लगता है कि हमें देखना है प्लेयर्स की सेफ्टी, उनको सिर्फ प्लेयर्स चाहिए, और उनको लग रहा है प्लेयर्स की सेफ्टी भी तो नहीं देख रहे ना उनको नहीं, मुझे लगता है उनको लग रहा है कि T20 मैच है, 3 घंटे का 4 घंटे का मैच है, बस ये 4 घंटे निकल जाएंगे, खेला जा सकता है। पॉल्यूशन हमारे आम जिंदगी में,
राहुल, सुबह ज़्यादा होती है, दोपहर को ज़्यादा होती है या शाम को ज़्यादा सिवियर होती है? जैसे जैसे ठंड, अब ये है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार हवा होगी, तो हवा तो बंद है एकदम, बिल्कुल हवा अगर होती तो शायद से जो आप बोल रहे हैं सैटरडे को, ये आप बोल रहे हैं कि कम होने की आसार है, वो और कम हो सकती थी, बट जैसे ऐसे मेरे ख्याल से आप विंटर बिल्कुल बंद है, ठंड होती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता ठंड भी होनी शुरू हो गई है, वैसे ही आपका ये जो सिचुएशन है ये बैड टू वर्स होती जाएगी। ये अच्छा साइन नहीं है। आई होप अगर कुछ करना है तो वक्त यही है, ऐसा नहीं है कि आप एक दो दिन बाद ये फैसला लें, लेकिन अगर ये मुमकिन है, आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट लॉजिस्टिकली एक शहर से दूसरे शहर में मैच देना, लेकिन अगर करना है तो शायद वक्त आज ही का है, क्योंकि आप ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। मैं एक लॉजिक जानना चाहूँगा आपसे, हालांकि आई थिंक 99% लोग यही बोलेंगे कि पहले मैच को थर्ड मैच से स्वॉप किया जाए। आप सेकंड से भी कर सकते हैं, सेकंड वाले के लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। नहीं, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि दो दिन का गैप है फर्स्ट और सेकंड में, आपको दो तीन दिन का सिचुएशन बेटर हो जाएगी, आप बोल रहे हैं 4 दिन का गैप, तो आप बोल रहे हैं कि सिचुएशन बेटर हो जाएगी। मैं तो ये कह रहा हूँ जिसने ये शेड्यूल बनाया था उसको भी ये सोचना चाहिए था कि आपको पता है हमेशा दिवाली के आसपास जाकर दिल्ली में पॉल्यूशन एक बड़ा फैक्टर होता है, और आपने दिल्ली में T20 मैच अलॉट कर दिया दिवाली के 4 दिन बाद। बट ये भी तो सोचने वाली बात है राहुल, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। आपको पता है कि मैचेस किन बेसिस पे अलॉट होते हैं, बट ये तो फिर ये लॉजिक नहीं है ना। आप बरसातों के दिनों में आप मॉनसून जहां पर सीवियर होते हैं वहां पे टेस्ट मैच अलॉट कर देते हैं, ये आप कैसे कर सकते हो? आप बिल्कुल, आप बरसात, Somebody needs to be pulled up. Obviously, ये वाले BCCI ने नहीं किया है, पीछे वाले ने किया, जिसने भी किया है he needs to be hold up. आपके जो क्रिकेट GM operations हैं, वो तो खुद एक टेस्ट मैच खेले हुए हैं, कई सारे वनडे खेले हुए हैं, उनको तो क्रिकेट का हमारे से बेहतर पता है ना, सबसे बेहतर पता है, तो GM क्रिकेट operations का काम ये भी है, उनको भी ये देखना है कि भाई ये इस हालात में ये सब कैसे हो सकता है। हर साल दिल्ली में दिवाली से 3 दिन पहले और दिवाली के 10-15 दिन बाद तक ये समस्या रहती है, और आपने अगले ही हफ्ते यहाँ पर T20 मैच दे दिया। पता नहीं खैर ये क्या सोच कर और क्या सोच के पीछे ये रोटेशनल पॉलिसी के नाम पर ये सब किया जाता है। प्लेयर्स के लिए गलत है, स्पेक्टेटर्स के लिए गलत है, स्पेक्टेटर्स के लिए बहुत ज्यादा गलत है। आप चाहे जो मर्जी बोल, मैं बोल रहा हूँ टीवी पे भी ये बहुत। आपको एक और बात बताता हूँ, देखिए इस वक्त है पॉल्यूशन, यहाँ पर हम बैठे हैं, फिरोशा कोटला में जब मैच होगा 40,000 लोग जब ग्राउंड के अंदर आते हैं, कई कार पार्किंग्स वहां पे बनी होती हैं, भाई साहब मिट्टी वहां पर बढ़ेगी। वो ITO का जोन है, दिल्ली का ITO जो कि सबसे बिजिएस्ट स्ट्रेच है, वहां पर वैसी पोल्यूशन ज़्यादा होती है, गाड़ियां आएंगी, लोग पैदल चलकर आएंगे, और जब लोग पैदल चलकर आते हैं तो मिट्टी और उड़ती है, तो उस दिन उस एरिया में बिकॉज ऑफ द क्राउड, देखिए मुझे खांसी होनी शुरू हो गई है, तो बिकॉज ऑफ द क्राउड उस दिन वहां पर सिवियर पोल्यूशन होगा। खैर आई डोंट नो, अभी भी मेरा मानना है कि वक्त है, अगर कुछ पॉसिबिलिटी है लॉजिस्टिकली और तो कर देना चाहिए। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इस वक्त जहां की आप बात कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि एक होता है अच्छा, सैटिस्फाई मतलब एक्सेप्टेबल, मॉडरेट, एक होता है पुअर, अभी वेरी पुअर चल रहा है। वेरी पुअर चल रहा है जी, वेरी पुअर चल रहा है। खैर स्पोर्ट्स तक के साथ रहिए, क्योंकि और तफसील अगर आती है तो हम आपको देंगे, साथ ही साथ डे नाइट टेस्ट मैच की भी और प्लेइंग कंडीशंस को लेकर तफसील आ रही है, वो भी आपको थोड़ी देर में मिलेंगी स्पोर्ट्स तक पर। सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज़।